अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह से शिद्दत से दुआ कर रहे हो लेकिन अभी तक कबूल नहीं हुई, तो उदास मत हो। एक तो अल्लाह तुम्हें मांगता देखकर खुश हो रहा है, दूसरा वो तुम्हें बेहतरीन वक्त पर देना चाहता है। तुम यकीन के साथ दुआ करते रहो, कबूलियत ज़रूर मिलेगी। ज़िंदगी में जब कुछ हमारे मुताबिक नहीं हो रहा होता, वो अल्लाह के मुताबिक हो रहा होता है। बेशक अल्लाह बेहतर फ़ैसले करने वाला है। जिन्हें सब छोड़ जाए उन्हें रब थाम लेता है। जिन रास्तों पर तुम्हें अल्लाह लेकर जाता है, उन रास्तों पर तुम अकेले नहीं चलते, बल्कि वो तुम्हारे साथ चलता है। जब वो गम के हालात पैदा करता है, वो तुम्हें इन हालात से लड़ने की हिम्मत भी देता है, वरना तुम्हें खुशी में तन्हा छोड़ता है और ना ही गम में। उसकी रज़ा से भरकर तो कुछ भी नहीं। अल्लाह की मोहब्बत के सिवा हर मोहब्बत को जवाल है। अल्लाह की मोहब्बत तमाम बुरे कामों से रोकती है। अल्लाह तुम्हारी दुआएं कभी रद्द नहीं करता और ना तुम्हारी सदाओं को नज़रअंदाज करता है। वो खालिक कायनात है, उसके अपने मामलात हैं, उसके कबूलियत के अपने तरीके हैं, उसका कुन फरमाने का अपना एक मुनफरिद अंदाज है, उसके अपने रंग हैं जिनमें वो उन्हीं को ढा लेता है जो उसकी मसलहतों पर एतराज़ नहीं करते। बेरा अल्लाह देख लेता है निदामते भी बनावते भी। अल्लाह हमें आजमाइशों से गुजार कर मौजों तक लाता है। तुम इससे बेखबर होते हो, मगर वो हर लम्हा तुम्हारे दिल की कैफियत की खबर रखता है। तुम्हारे जहन में ख़्याल के आने से पहले वो तुम्हारे इरादों को हर खौफ को भांप लेता है। अल्लाह जानता है कब तुम्हारा जब्त टूटने को था, मगर तुमने खुद पर जबर किया, सब्र किया।